हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग वापस आ गए हैं पोकेमॉन अल्ट्रा सन के अंदर। हाँ, शायद तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आज तो यार माइनक्राफ्ट आने वाला था, तो यार सॉरी, कल मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया था। कल था अल्ट्रा सन का चांस, तो फिर कल मैं अल्ट्रा सन नहीं डाल पाया था, तो यार चीटिंग हो जाएगी ना यार। अल्ट्रा सन जिनको पसंद है उनके साथ चीटिंग हो जाएगी। तो यार कल मैं क्यों नहीं डाल पाया वीडियो, क्योंकि कल मेरा टेस्ट था यार। और रोटोम क्या पूछ रहा है, हे ऋषभ, यू आर डूइंग, हाउ यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन, आई एम टायर्ड। नहीं यार, अभी मैं बहुत अच्छा मतलब फील कर रहा हूँ और अल्ट्रासन खेलने के फुल मूड में हूँ, तो आई एम डूइंग फाइन। ये बात ठीक है। तो कल यार मेरा टेस्ट था, इसलिए मैं कुछ वीडियो डाल नहीं पाया था। तो जब भी कुछ ऐसा हो, मतलब कि कोई वीडियो ना आए, तो मतलब थोड़ा समझ लेना यार, तुम थोड़ा समझना कि इस बंदे का टेस्ट होगा तो अगले दिन डाल देगा, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे हम लोग अभी क्या नाम था सिटी का, बकवासी सिटी, क्या है इसका नाम, पेनियोला टाउन। वैसे बकवास तो नहीं यार, मैं सही बताऊँ, मुझे ये वेस्टर्न वाइफ बड़ी अच्छी लगती है। बे बोल रहा हूँ, सॉरी यार, तुम तो सारे यार हो यार अपने। मेरे को ये वेस्टर्न वाइफ थोड़ी अच्छी लगती है, जब काउबॉय टाइप की थीम हो जाती है तब मेरे को मूवीज़ भी अच्छी लगती हैं काफ़ी वाली। पता नहीं क्यों डिटेक्टिव वाली फीलिंग आती है, जबकि डिटेक्टिव होती नहीं है काउबॉयज, पता नहीं क्यों। इफ़ यू क्लियर कियावे ट्रायल देन यू कैन राइड ऑन द बैक ऑफ रियल चार्जर। अरे मतलब कियावे है सही में, कियावे की ट्रायल होगी मतलब सही में। अरे टोटम स्टिकर, 20 टोटम स्टिकर हो गए अपने पास। प्रोफेसर ओक वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, ओक, अरे प्रोफेसर ओक वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, सैमसन ओक मतलब, हाँ वो वाले प्रोफेसर ओक नहीं, सैमसन ओक। ओ वेल, हेलो देयर, इट्स मी सैमसन ओक, आई सी यू हैव कलेक्टेड सम टोटम स्टिकर्स, यू शुड कम स्टॉप बाय ही बीच। यार वो अभी नहीं यार, अभी बाद में चला जाऊँगा ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा यार उधर तक जाने में। ओ लुक एट दैट हलूच ऑफ योर्स, इट वेज लेस देन 110 पाउंड्स, देन इट शुडन्ट टेक टू मच डैमेज इवन इफ इट हिट्स द मूव लाइक ग्रास नॉट। बिल्कुल सही कर रहा है यार बंदा, चल अच्छी इन्फॉर्मेशन है यार। हाँ यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैं आया था क्या, एक्चुअली यहाँ पे मैं नहीं आया था, सॉरी यार। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये लोग कुछ बोल रहे थे ना आंटी से, क्या हुआ था कि, हाँ चलो फिर से बोल रहा, मैंने अपने दोस्त के साथ बैटल की थी, तो शायद मैंने तब सेव कर दिया था गेम, तो उसके लिए माफ कर देना। यू वॉलपिक्स, गिव मी दैट बॉटल कैप। बॉटल कैप कौन सी, इसके पास कहाँ बॉटल कैप होगी यार, क्यों थ्रेटन कर रहा है इसको, प्लीज स्टॉप। हाँ भाई रुक जाओ, तुम लोग मुझे भी फ्रीक आउट कर रहे हो। व्हाट यू लुकिंग एट, व्हाट्स दिस पोकेमॉन नीड, नाइस बॉटल कैप फॉर, आई एम जस्ट गोना पुट इट फॉर बेटर यूज। तू भी क्या करेगा भाई, तू कैसे खाएगा पागल, दिमाग खराब हो गया तेरा। यू देयर, डू यू थिंक यू कुड हेल्प, यहाँ पे हम शायद कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मैं यहाँ से निकलूंगा। वैसे तो मैं मदद करना चाहता हूँ उन आंटी की। यार ये स्टोन बड़ा कूल है यार, कुछ हो सकता है क्या उससे, लगता तो नहीं। खैर यहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। आंटी जी आप क्या बोल रही हैं, ओके टोरोस की याद कर रही हैं आंटी जी। अरे टोरोस से याद आया, अपने पास भी तो टोरोस है ये। नहीं अभी यूज नहीं कर रहे, ज़्यादा हो गया, पहले थोड़ा हील करके आते हैं। मैं बैटल की थी अपने दोस्त से, तो इसलिए मैं शायद मैं सेव कर दिया, इसलिए नहीं हो रहा था वो। वैसे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं वहाँ पे, चिंता मत करो। वो जो अभी बोला ना उसने, वही बोलते हैं वो लोग। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, शायद गेम का साउंड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, होगा शायद से, क्या पता। मैं थोड़ा अपने तरफ से कम कर देता हूँ, शायद तुम लोग को फिर और भी ज़्यादा कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। और आंटी इस क्या चल रहा है, आप लोग के बाहर से आए हो क्या, पेनियोला रैंच लाइज अप। अरे हाँ पेनियोला रैंच जाना था मुझे यार। ये जब रैंच वाली वर्ड आता है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को वाई टू की याद आ जाती है यार। तुम्हें भी याद होगा वाई टू का, तो किस किस को याद है यार, सही बताना मेरे को, ऑनेस्टली बताओ कौन कौन, किस किस को याद है जब मैंने पहला एपिसोड डाला था वाई टू का, कौन कौन था तब मुझे ये बताओ यार। वो हिंदी में किसी ने पहली बार यूट्यूब पर जाना था, मुझे यार इतना डर लग रहा था कि यार कोई नहीं देखने वाला, दो या तीन व्यूज आएंगे। फिर धीरे धीरे यार लोगों को बहुत पसंद आया, मुझे ही बहुत अच्छा लगने लगा कि यार कम से कम कुछ लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, पोकेमॉन गेम्स भी जान रहे हैं लोग, तब यार बहुत अच्छा लगा था। तब पता चला लोग एक्चुअली खेलते हैं गेम्स, ऐसे नहीं कि लोग नहीं खेलते हैं। ओके मैंने सेव नहीं किया था गेम, क्योंकि मैंने वैसे इन आंटी से बैटल कर ली थी और अब बैटल सेव नहीं हुई है, तो मतलब मैंने सेव नहीं किया था, होगा ऐसे ही होगा। हाँ कार्बिंग था इनके पास, हाँ मैंने सेव नहीं किया था मतलब। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चाहे इनको, इसको हरा देगा क्या, नहीं पोकेबॉल यूज़ नहीं करनी मुझे, कराटी चॉप यूज़ करूँ, कराटी चॉप यूज़ करके देखता हूँ एक बार। बचाओ, नहीं कुछ नहीं हो जाओ। ओ बाप रे, इसने तो पूरा हार्डन यूज़ कर लिया भाई, हार्डन ही था ना, नहीं अटैक राइज हुआ, हार्डन तो नहीं होगा। अपन यूज़ करेंगे अपना जी पावर, और मैंने इसको फाइटिंग टाइप जी पावर पकड़ा रखा है। क्या मैंने तुम लोग को दिखाया था, नहीं दिखाया तो भाई देखो, बहुत ही औसम लगता है यार, बहुत ही औसम,
बहुत सही लगता है यार तेरे को, देखो तुम्हें तो बहुत मजा आता है। ऑल आउट प्यूमलिंग, पर 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 ये जाएगा तो नहीं यार, मरेगा तो नहीं, मेरे को इतना तो पता है। हाँ थोड़ा सा तो रह ही जाएगा। चलो कोई नहीं, एरियलेस वेरियलेस कुछ मार लेंगे। शार्पन यूज़ कर रहा है क्या? कर ले भाई, तेरे को यूज़ करना है कर ले तू। टैकल से, टैकल का रिस्क नहीं रहा है, एरियलेस यूज़ कर लेता हूँ मैं तो। अबे यार आंटी मानेगी नहीं यार, आंटी आंटी बदमाश है। आंटी बदमाश है। हमें लगता है हम मतलब जी मूव तो फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो क्या करूं फिर? मैं पोकेमोन ही स्विच करता हूँ, एक पोकेमोन स्विच कर लेता हूँ चलो। और मैं निकालता हूँ गेंगार को। अरे गेंगार को यूज़ करते, गेंगार को शायद मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ यार। सही में यार मुझे ऑफलाइन मतलब बिना वीडियो रिकॉर्ड किए बैटल नहीं करनी चाहिए यार, वरना सही में यार तो लोग परेशान हो जाओगे, मुझे याद नहीं रहता फिर। मैंने वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था, पर गेंगार लगता मस्त है। देखो तुम नाइट शेड यूज़ करते हैं। और वैसे माइनक्राफ्ट की जो सीरीज़ है, हाँ वो बनाऊंगा मैं। काफ़ी लोग डर गए थे यार कि सीरीज़ बना दे उसको, क्यों नहीं बना रहा सीरीज। भाई बनाऊंगा, सीरीज़ ही चालू होगी उसकी, चिंता मत करो। और थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट यार उस सीरीज़ पर, मुझे लगा नहीं था इतना सपोर्ट आएगा यार उस पर। ऑलमोस्ट 5000 व्यूज़ हैं और तुम सबको बहुत अच्छा लगा। मैंने एक पोल किया था और उससे पता चला कि तुम सबको बहुत ही अच्छा लगा यार वो गेम, तो उसके लिए थैंक्स यार। हम लोग थोड़ा ये यूज़ कर लेते हैं पोकर रिफ्रेश। ये बाल इससे हटते हैं ना? हाँ बाल ऐसे हटते हैं। बाल बाल पता नहीं क्या है, बाल तो नहीं है ये, पर पता नहीं क्या है। वैसे इसको स्टेटस इफेक्ट कब लगा? ये स्टेटस इफेक्ट रिप्रेजेंट करता था मेरे ख्याल से। तो जो भी है तू तो भाई खाना खा, मजे कर तू। हाथ भी हाथ में पकड़ के खाना खाता है ये तो। मैं किसी और पोकन को निकालना चाहता तो था, पर चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे यार क्या करता है। अपने अपने पास पोकन है भाई। अरे देखो टोरस वोरस पड़े हैं यहाँ पे, मिल्टैंक भी है बहुत सारी। ये अंकल भी बैटल करेंगे? ओ नहीं, ये एंगल बैटल नहीं करेंगे। ओ यू हैव गॉट टू बी अ ट्रायल गोअर। हाँ ट्रायल कर रहा हूँ मैं। हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है ट्रायल करने में, राइट? वेल वी हैव गॉट गुड सेंस ऑफ टाइमिंग। हाँ द कैप्टन इज एक्चुअली हियर नाउ। क्या? नहीं यार अभी ट्रायल के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। चलो ठीक है, अब ऐसा है क्या? अरे फिर तो ये रैंच किसकी होगी यार, ये तो कियावे की होगी। पर यहाँ पे तो मैलो है, पर यार रैंच तो उसकी है ना कियावे की। ये यार ये गेम में पूरा उल्टा कर डाला क्या? द मू मिल्क फ्रॉम पेनियोला रैंच इज द बेस्ट, इट्स सो रिच एंड क्रीमी व्हेन यू यूज इट इन द वाइट सॉस एंड अदर थिंग्स। अरे भाई मिल्क टैंक का दूध तो अच्छा होगा। सही है, मैंने तो बहुत दिनों से दूध नहीं पिया भाई। खैर पर्सनल बातें हटाओ साइड में यार। नहीं नहीं पर्सनल बातें, पर्सनल बातें साइड में हटाओ। ओ बाय द वे सिंस आई वॉज लकी इनफ टू रन इनटू यू हेयर, आई विल डू अ लिटिल फेवर। ओके बिल्कुल फेवर तो चाहिए भाई हमें। स्टाउटलैंड वॉज रिसीव्ड टू बी पोके। ओह यस स्टाउटलैंड हमें मिल गया। नहीं यार बिना ऐसे बैटल किए, मतलब इसका मतलब यार ये था कि हम लोग स्टाउटलैंड भी यूज कर सकते हैं यार। अब टोरस तो हम लोग यूज कर सकते थे, अब स्टाउटलैंड भी यूज कर सकते हैं। और भाई ये सही बोल रही है, स्टाउटलैंड पता है बरी ट्रेजर जो होता है ना सैंड के अंदर, उसको स्निफ करके वो उसको ढूंढ सकता है। मतलब जैसे हमारे पास, तुम्हें अगर Y2 में याद हो हमारे पास क्या होता था, डाउजिंग मशीन होती थी। तो यार इसमें हमारे पास ये है, स्टाउटलैंड है यार, बहुत सही चीज़ है यार, सही बता रहा हूँ। तो हमें कभी भी लगे ना कि ऐसा हो रहा है, व्हेन यू आर राइडिंग स्टाउटलैंड बाय प्रेसिंग बी टू यूज दैट स्टाउटलैंड। अच्छा ठीक है, बी प्रेस करना है मुझे। बी का मतलब हुआ एक्स है ना, बी का मतलब हुआ एक्स, चलो ठीक है। जेड सॉरी जेड, गेट अप देयर एंड ट्राई इट। चलो ठीक है ट्राई करूंगा, पर तू मेरे से बैटल नहीं करेगी क्या? इफ़ यू गो ऑल द वे टू डाउन रूट 5 यू विल कम आउट ऑन ब्रूकलेट हिल। माय फ्रेंड लाना इज अप देयर। हम लाना, लाना तो हम जानते ही हैं यार। सो से हाई टू हर फॉर मी इफ़ यू सी हर। ठीक है तो मतलब मैलो ट्रायल नहीं करेगी। लेट्स गो एंड राउट द राइट दैट स्टाउटलैंड। अरे स्टाउटलैंड को राइड करते हैं। ओके 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 ओके, जैसे कि टोरस दौड़ता था वैसे स्टाउटलैंड ऐसे करता है। ठीक है तो कोई साइन होता है कि इसको कहाँ पे पास में मिल रहा है? जब ये जल्दी जल्दी पे 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 करने लगता था वो होता है क्या कुछ ऐसा? ओ यहाँ पे कुछ है, फ्रेश वाटर। वाह यार ये तो सही काम करता है यार ये तो। ये बता एक्चुअली डाउजिंग मशीन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डाउजिंग मशीन में मतलब दिखता तो था, पर काफ़ी लोगों को इसको यूज़ करना सही से नहीं आता था। सही बता रहा हूँ, काफ़ी लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। ठीक है मैं क्या उस टोटम स्टिकर को निकाल सकता हूँ? मुझे निकालना तो है यार उसको, ट्राई कर लेता हूँ चलो। फिशिंग रॉड तो मेरे पास अभी तक नहीं है यार, पता नहीं क्यों। क्या दिस पाइक स्टॉक नहीं? हाँ फिशिंग रॉड चाहिए पड़ेगी यार,
फिशिंग रॉड पर मेरे पास है नहीं, चलो कोई बात नहीं, रैंच रैंच पे थोड़ा, अरे आराम से भाई आराम से, टोरस गुस्सा हो गया, आई वॉन्ट टीज दैट वन। ओ हाँ होते हैं भाई कभी कभी होते हैं ऐसे, कुछ कुछ भैंस होती हैं वो थोड़ी आराम से रहती हैं, कुछ कुछ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होती हैं, जो ऐसे ही लग रहा है मुझे। आई गेस वील नीड द मिस्ट्रेस स्किल फॉर दिस वन। द मिस्ट्रेस, द मिस्ट्रेस स्किल, ये क्या होता है? द मिस्ट्रेस ऑफ पेनियोला रैंच, ऑफकोर्स शी कैन गेट इवन द मोस्ट अनरूली टोर। अरे मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं लोग, मैं उनका नाम भूल गया हूँ यार, इसलिए मैं कभी उनका नाम नहीं लेता हूँ, पता है उनका नाम कुछ एल से था शायद से, मेरे ख्याल से एल से था। अरे ये नहीं है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा था भाई, ये तो मिल टैंक है यार, इसको तो अपन सब जानते हैं। अरे मैं उसकी बात कर रहा था यार, यहाँ की जो वो है ना आइलैंड का हूँ ना, मैं उसकी बात कर रहा था, उसका नाम क्या था, देखो एनिमे से याद था यार उसका नाम, देखो अब भूल गया यार मैं उसका नाम भूल गया यार। वन रोड फ्रॉम मिलटैंक एंड इवन द मोस्ट ऑर्नी टोरस। अरे अरे मिलटैंक सबको सबको शांत कर देती है क्या, ऐसा है क्या? अरे शांत कर, इसको भी शांत कर, तो बहुत ज़्यादा रो रहा है, शांत हो गया लगता है। वेल दे डू से द स्ट्रॉन्गर द टोरस इज द हार्डर इज टू कंट्रोल, होगा ऐसा ही होगा। मे बी इफ ही बर्न्स ऑफ अ बिट ऑफ एक्सेस एनर्जी इट बी अब इजियर टू ब्रिंग। अच्छा ठीक है ठीक है। हाउ टेकिंग ऑन टोरोस इन अ बैटल, क्या मैं इसको कैच कर सकता हूँ क्या? श्योर आई विल बैटल, पर शायद मैं इसको कैच नहीं कर सकता हूँ शायद से, पर उसने कुछ लास्ट में बोला तो शायद से कैचिंग की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं ये मतलब इसकी तरफ से लड़ेगा, मुझे लगा वाइल्ड पोकेमॉन की तरह लड़ूंगा मैं उससे, इसलिए पता नहीं क्यों गेम ऐसे अटक सा रहा है यार। अभी मत अटक यार, वही तो मज़ा आ रहा है। कराटी चॉप यूज़ करें, कराटी चॉप यूज़ करते हैं, ये पचाक ये बात है। अरे टोरस वोरस कुछ नहीं है, अरे क्या काम से ये यार, ये अच्छा होगा अगर अपने पास जो राइट पोकेमॉन है ना अपन उनको वैसे भी यूज़ कर सकें, मतलब बैटल के लिए यूज़ कर सकें ना, तो मज़ा आ जाएगा। या फिर मतलब मैं हमेशा पता है एक चीज़ इमेजिन करता हूँ कि किसी दिन क्या करेगा रोटोम अपनी पोकेडेक्स से बाहर आ जाएगा और कभी हमको ज़रूरत होगी ना तो मदद करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सीन आने वाला है यार, एनिमे में तो हो सकता है आए, मतलब अगर ये हुआ ना तो मज़ा आ जाएगा। लुक्स लाइक यू वर्कड अप अ फाइन स्वीट स्वेट सॉरी स्वीट नहीं, मिठाई विठाई नहीं खा रहे थे हम यहाँ पर, हम लोग पसीना बहा रहे थे, ठीक है। क्या मिठाई विठाई की बातें कर रहा हूँ मैं, वैसे यार बहुत दिनों से खाई नहीं यार, कुछ खाना पड़ेगा यार। इवन टोरस कुडंट स्टैंड अप टू द कंबाइंड पावर्स ऑफ द पेयर ऑफ यू एंड एंड मिलटैंक। ठीक, मैं मिलटैंक की तरफ से नहीं लड़ रहा था, हे मिलटैंक के साथ थोड़ा लड़ा मैं पागल। थैंक्स टू यू, आई थिंक वी कैन फाइनली स्टार्ट ऑन दिस फेलोज राइट पोकेमॉन ट्रेनिंग। ठीक है, वही तो मैं सोचूं कि यार ये लोग इतने सारे पोकेमॉन फ्री में कैसे देते हैं, ये लोग काफ़ी सारे पोकेमॉन को ट्रेन करके रखते हैं। स्कोप लेंस दिया इसने हमको, चलो अच्छी बात है, कुछ नया देखने को मिला यहाँ पर। क्या इससे बात करके भी कुछ नया होगा? नहीं, ये बस मुँह करने के लिए रखी गई है यहाँ पर। नहीं, ये भी प्यारे से बात कर रहे हैं सबसे। अरे यहाँ पे रॉकरफ है, अरे ये रॉकरफ उसी टाइप का होगा, मेरे को पता है किस टाइप का। अच्छा नहीं है, उस टाइप का मतलब वो खेलने वेलने वाला, मेरे को लगा वैसा होगा पर वैसा नहीं है। क्या इसके अंदर कुछ है? नहीं, ठीक है। और अंकल जी बताइए क्या चल रहा है, इंस्टेड ऑफ बिग सिटी, ठीक है, मतलब कुछ बोल तो रहा था दिस एरिया। अच्छा इस ये कह रहे हैं, पूछ रहा था वो, ठीक है, मतलब बता रहा है हमको। दिस एरिया वेयर इज कॉल्ड विच इज़ कॉल्ड पेनियोला इज अ वेरी ओल्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ पोइनियर अलोला, ऐसे कुछ लिखा था। वेन आर एंसेस्टर्स ड्रिफ्टेड टू द आइलैंड इन अलोला एंड डिसाइडेड टू लिव हेयर द लैंड वॉज नॉट हैबिटेबल। होगा ऐसा ही होगा। सो आर एंसेस्टर डेवलप्ड द लैंड विद देयर टोरोस जस्ट एज दे डिड बिफोर दे केम टू अलोला। अच्छा मतलब खेती वेती करी होगी और क्या। दे केप द मोस्ट फर्टाइल लैंड एज अ रैंच। ओके तो सबसे फर्टाइल लैंड है, सो दे वोंट फॉरगेट द ग्रेटिट्यूड ऑफ टोरोस। सही है यार, अच्छी बात है, पोकेमॉन में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने वाला मज़ा आता है। ओके ठीक है, इसने एड्रेनल लॉब्स दिए हैं, शायद ये उसकी बात कर रही थी कि पोकन हेल्प के लिए बुला लेते हैं वाइल्ड पोकन, शायद उसकी बात की थी इसने। आई कैन टेल मेनी टाइम्स अपोजिंग पोकन, हाँ उसी की बात कर रही है ये। वो पता है काफ़ी हेल्पफुल भी होता है, जब तुम पोकन पकड़ना चाहो ना तब हेल्पफुल होता है वो। और यार काश मेरे पास ऐसा कोई कंट्रोल होता जिससे मैं स्नीक करके जा सकता, पर ऐसा नहीं है यार। अगर ओरिजिनल कॉन्सोल होता तो हम लोग कर सकते थे कि बिल्कुल आराम आराम से चल सकते थे। मेरे को याद है यहाँ पे एक पोकेबॉल ज़रूर डली हुई थी, ऊपर से ही देख लिया, वाह यार ऊपर से ही देख लिया बंदे ने। चलो कोई नहीं एक ही पोकेमॉन तो है बंदे के पास, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मट ब्रे पता नहीं, मैंने इसकी आवाज़ नहीं सुनी कभी, ऐसी बोलता है क्या? मट ब्रे बोलता तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं बोलता होगा, अजीब सा लग रहा है, गधे की तरह बोलता होगा, गधे की आवाज़ होगी क्या पता। पोकेमॉन पता है तुमको पता ही होगा, ज़्यादातर आवाज़ें इंसान निकालते हैं, पर बहुत सारी आवाज़ें जानवर, असली जानवरों की हैं। तो पोनीटा है ना, पोनीटा, उसकी आवाज़ इंसान की है, पर रैपिड एश की आवाज़ असली हॉर्स की है, असली हॉर्स की। और वीपिन बेल की आवाज़ तुम्हें पता है किसकी है? वीपिन बेल की, जो चिल्लाती है, वो एक चिल्लाती हुई लड़की की आवाज़ है। वो एक पता नहीं कितनी, वो बेचारी लड़की यार, उसके साथ उसको क्या बोला गया होगा, तो जैसे चिल्ला सकती है वैसे चिल्ला के देखा, बाप रे यार, बेचारी लड़की कितना ऑकवर्ड लगा होगा उसको। अरे यार ये क्या, ये हर्ट गोल्ड वाली चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, कि ये लोग खड़े हो गए यहाँ पे बीच रास्ते पे, वो भी सूडो बूढ़ो ही खड़े होते हैं ज़्यादातर। लॉलीपॉप ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलता, ये बिल्कुल भी नहीं बोलता भाई, क्या यार लॉलीपॉप बोलता कैसे है? पर अच्छा लॉलीपॉप तो वो पपी है ना, तो वो तो वाह वाह ऐसे कुछ करता होगा। अरे क्या भाई, टोरोस कितनी तेज दौड़ रहा है यार देखो, अरे बाप रे टोरोस कितनी तेज दौड़ रहा है। इस घर के अंदर जाके देखते हैं आखिर है क्या। अरे यहाँ पे दूध वूध बिछ रहा है क्या? पोकेमॉन डे कह रही है। अरे ये सही रहा है, ये बहुत सही रहा, मैं कोई पोकेमॉन रख देता हूँ। अरे ये हम लोगों को एग दे रही है एक अपना, वाह यार इस एग में से क्या निकलेगा? तुम लोग बताना मत, नहीं तुम लोग नहीं बताओगे इस एग में से क्या निकला, मुझे नहीं पता यार, मैं कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, एक्चुअली पढ़ता हूँ मैं कॉमेंट्स यार, कभी मतलब पढ़ता हूँ, मैंने कमेंट्स पढ़ता तो हूँ, पर कभी कभी मैं तुम्हारे कमेंट्स हर्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कभी कभी अपने मम्मी के फ़ोन से कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, तो मैं हर्ट नहीं करता हूँ कमेंट्स को, पर पढ़ता ज़रूर हूँ कमेंट्स को। तो ये मैं सोचना कि नहीं पढ़ता हूँ, तो तुम यार सही बता रहा हूँ यार, प्लीज़ मत लिखना यार कि इस एग के अंदर क्या है। अगर तुमने लिख दिया है, ऑलरेडी लिख दिया, तो प्लीज़ डिलीट करो कमेंट को भाई, मैं नहीं देखना चाहता कि क्या है, थोड़ा सीक्रेट तो रखना चाहिए ना। व्हाट्स इन द एग, हैज सम हेल्प टू हैच इट, आई एम टू क्यूरियस टू वेट। ठीक है ओके, वो रोटॉम सर्विस बढ़िया, वो कैन हैच फ्रॉम एग्स फास्टर नाउ। अरे वाह यार रोटॉम बढ़िया है यार, सही में यार रोटॉम बढ़िया चीज़ है यार। हेलो डू यू वांट टू यूज दिस एंड अवेकन योर पोकेमॉन हिडन पावर्स, क्या है तो TM10 हिडन पावर, आई सॉ दैट कमिंग, वुड यू लाइक टू नो दिस हिडन पावर? ठीक है तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि टोरा कैट की क्या हिडन पावर होगी, मुझे बस ये थोड़ी एक्साइटमेंट सी हो रही है, देख लेता हूँ एक बार। इफ़ दिस पोकेमॉन वर टू लर्न हिडन पावर इट्स मूव वुड बी वाटर, हाँ मतलब मान लो ऑपोजिट ही होती है, एक तरह से ऑपोजिट ही होती है। एक बार हलूचा की देख लेता हूँ क्योंकि उसकी टाइपिंग थोड़ी अलग सी है ना, एक बार हलूचा की बता दे मुझे, मतलब चाकी बता दे, भी फाइटिंग, चलो फाइटिंग टाइप है तो इसकी फाइटिंग ही रहेगी। ओके हिडन पावर कुछ भी हो सकती है, गेंगार की क्या होगी, नॉर्मल होनी तो नीचे, फ्लाइंग, वाह यार मतलब कैसे किस तरह से डिटरमाइन होता है यार, ये चीज़ मुझे पता नहीं है अभी तक। खैर जो भी है हम लोग सिखा देंगे। यहाँ पे एक पोकेमॉन रेंजर खड़ा हुआ है जिनसे यार मैं पता है पोकेमॉन रेंजर बनना चाहता हूँ यार, मैं पोकेमॉन मास्टर बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, पर पोकेमॉन रेंजर मुझे ज़रूर बनना है सही में। पोकेमॉन रेंजर्स बहुत कूल होते हैं यार, बहुत कूल। अगर तुम पोकेमॉन रेंजर का कोई गेम नहीं खेला ना तो जाकर खेलो यार, बहुत ही अच्छा गेम होता है यार पोकेमॉन रेंजर्स का। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि बोरिंग होता है तो नहीं भाई, बोरिंग नहीं होता है। और मैंने अभी अभी नोटिस किया ये अजीब सा बार क्या है, ये क्या मतलब एग का है क्या, क्या मैं इतना चलना है एक को हैच करने के लिए, कि या फिर इसका जो बूस्ट है वो इतनी देर चलेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और आई हर्ड दैट यू विल फाइंड पोकेमॉन एग्स, ओके ठीक है पोकेमॉन एग्स ही आज चल रही है और कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ा घूमना पड़ेगा इधर उधर। क्या हम टोरोस से घूमने की कोशिश करें क्या, एक बार ट्राई करते हैं, या फिर एक काम करते हैं हम लोग स्टाउटलैंड को रख लेते हैं ना, सही रहेगा। ये तो बैटल आ रही है इधर, नहीं ओके इसको कुछ मिल रहा है बढ़िया, ओके साइड इस साइड जा नहीं सकते हम लोग, पर कोई बात नहीं इस साइड, मुझे तो उसके अंदर ही लग रहा है जहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते हैं। एक बार स्टाउटलैंड को छोड़ देता हूँ और फिर वापस स्टाउटलैंड को अब लेके आऊँ क्या, या फिर ऐसी ट्राई कर लूँ ढूंढना, ओ मिल गया चलो अच्छा मिल गया, स्पेशल डिफेंस था और कुछ नहीं था, कभी कभी खुद भी ट्रम ट्राई कर सकते हो ढूंढना। ओके और कुछ, ओ ये क्या यार, बंदा पुशअप्स कर रहा है पर ये बैटल भी करेगा हमारे साथ, तो नहीं अभी बैटल नहीं करनी मुझे, नहीं यहाँ पे यार ये सूडो वूडो खड़े कर दिए पागल ने। ओके कुछ आइटम तो है, कुछ तो था, अभी चमका, हाँ चमका,
चमका चमका इधर ही है, इधर ही है। नहीं इधर तो नॉर्मल पोकेबॉल है, पर चलो ठीक है। हाँ सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। नहीं मतलब इस घास में है शायद से, इसी घास में कहीं पे है। लिलीपा बड़े हैं यार यहाँ पे, ऐसे करता होगा। अरे नहीं 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 पता नहीं कैसे करता होगा, पर जैसे भी करता होगा ठीक करता होगा। अपन को उसकी करने की ज़रूरत नहीं है, उसने बढ़िया करा होगा। अरे स्टाउटेंट बड़ा तेज है यार, वाह। बस स्टाउटेंट सर्च अभी डिसमै मतलब छोड़ता हूँ मैं। अरे अंकल जी आप भी ना, बच गया अंकल जी से तो बच गया मैं, पर मुझे ऐसे नहीं जाना यार, मैं सबसे बैटल करके ही जाऊँगा। धीरे धीरे वो बार कम होती जा रही है, अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो। मैं चल के देखता हूँ, शायद उसी बैटल मतलब बार कम हो रही है। हाँ या तो मतलब वो टाइम स्पेसिफाई करता होगा कि इतने टाइम में भाई तुम्हारा बूस्ट खत्म हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा ही होगा। यार इससे बैटल कर लेता हूँ मैं। अच्छा तू पहले बैटल कर ले, पुशअप्स बाद में कर लेना। बहुत पुशअप कर लिए तूने, अब बॉडी वॉडी कुछ है नहीं, पुशअप मार रहे हैं, ये क्या बात हुई। अरे हमें भी बनानी पड़ेगी यार बॉडी, थोड़ी पुशअप वुशअप हम भी मारेंगे। हाँ मुश्किल से 30 लगते हैं अब तो यार। कराटे चॉप ये, पहले 50 लग जाते थे, फिर धीरे धीरे 40 पे आ गया, धीरे धीरे 30 पे आ गया। अरे यार पर ये मत सोचना कि भाई ये 50 मार लेता 30 मार लेता, नहीं भाई तुम जितना तुम मार सकते हो ना सही में उतने ही पुशअप्स करना, और सही से करना। अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारी बॉडी और ख़राब हो जाएगी सही में। तो मैं तो ये बोलूँगा कि तुम किसी और को सामने लेके आओ, उसके सामने करो, वो तुम्हें बताएगा कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुम गलत ही करोगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। बहुत लोग होते हैं जो गलत करते हैं यार, पर बहुत लोग होते हैं जो सही भी करते हैं। और अगर तुम सिर्फ 5 हो पा रहे हैं, 5 करो भाई, पुश मत करना वरना इतने दर्द होगा तुम्हारे हाथों में, तो सही नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल तुम लोग स्कूल जाते होगे, तो ये सब मत किया करो ज़्यादा। थोड़ा बहुत कर लिए शाम को, बस बहुत है। खाना खाने से पहले ये सब चीज़ें, एक तो खाना खाने से पहले नहीं करनी चाहिए, और खाना खाने के बाद भी नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं इसे डिस्कस कर क्यों रहा हूँ, शायद मैं तुम्हारा अगला डॉक्टर बनूंगा तुम्हारा मैं। नहीं भाई अपन को डॉक्टर बनने कोई इंटरेस्ट नहीं है। खैर पैरालिसिस अपन हटा देते हैं, इस टाइम पर थोड़ा काम आएगा ये। अरे चिंता मत कर यार, तू कैसी चिंता कर रही है यार, चिंता मत कर, अभी सही हो जाएगी। तू पूरा पैरालिसिस हट जाता यार, क्या सही चीज़ है ना यार ये, सही में यार बहुत सही चीज़ है। अभी मेरे को पोके ये बीन्स जो भी पता नहीं क्या है ये मेरे को और चाहिए पड़ेंगे। वो मेरे को पोकेमॉन सेंटर में मिलते हैं ये, मुझे पोकेमॉन सेंटर में मिलते हैं ये, और बहुत सही चीज़ है, फ्री में मिलते हैं, पैसे भी नहीं देने पड़ते, ऐसे ही देता है वो। एमुलेट कॉइन, अरे सही है सही है सही है। मैंने सबसे पहले पोकेमॉन को कुछ पकड़ा रखा है, हाँ पकड़ा तो रखा है। चलो कोई नहीं, ये काम करते हैं। यार मैं पकड़ा सकता हूँ, नहीं पकड़ा सकता। एमुलेट कॉइन कैसे पकड़ाऊँगा, इसके पास अभी कोई और आइटम है ना। एमलेट कॉइन कहाँ है फिर भी इसका, एमलेट कॉइन मिल दिख तो जाए कम से कम। हाँ ये रहा, हाँ नहीं पकड़ा सकता। फाइटीएम जी यार नहीं लेना चाहता मैं इससे। इसके पास कौन सा अटैक है यार, अच्छा इसके पास फाइटीएम जी होगा। हाँ मतलब मैं लाइकिन रॉक की बात कर रहा था, पर एमलेट कॉइन किसी ना किसी को तो पकड़ा ही देता हूँ यार, वरना फालतू में यार। चलो एमलेट कॉइन किसी ना किसी को पकड़ा देता हूँ। गेंगार कुछ नहीं पकड़ा, चलो गेंगार को ये पकड़ा दो। मेरे पास अगर स्पेल टैग था तो मुझे स्पेल टैग पकड़ाना चाहिए था, पर मैंने पकड़ाया नहीं, शायद से नहीं था मेरे पास स्पेल टैग, पता नहीं शायद से नहीं था। चलो खैर सेबिले क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, बड़ा अजीब सा पोकेमॉन है ये। मैंने यार मेरे को अभी तक याद नहीं आया, मैं जब मैंने इस पोकेमॉन को पहली बार एनीमे में देखा था ना, मुझे तब से लेके अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ कि यार मैंने कभी ना कभी इसको देखा है, कहीं पर तो देखा है मैंने इसको, बस मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से देखा है मैंने इसको। किसी से डिज़ाइन मतलब इन्होंने इंस्पायर होके बनाया है इसका, पता है कहीं ना कहीं देखा है मैंने यार इसको, सही है। मैं अभी तक सोचता हूँ, कभी जब भी इसको देखता हूँ ना, मैं हमेशा सोचता हूँ कहाँ से देखा है मैंने इसको। अब अपना जी मूव मिस हो गया था क्या, अरे जी मूव यूज़ ही नहीं होता, मैंने फालतू में यूज़ किया जी मूव, सही में यार। ये भी क्यों यूज़ किया मैंने, ये मैंने क्यों नॉर्मल टाइप अटैक्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या। नहीं ऑफिशियली मैं पागल हो चुका हूँ, एक्चुअली ऑफिशियली मैं पागल हो चुका हूँ। एरियल इसी सही है यार, एरियल से अच्छा खासा डैमेज तो हो रहा है, क्यों मरवाना अपने आप को, चाह वैसे ही मर जाएगा अगर ऐसे करता रहा मैं तो।
अरे भाई डिटेक्ट और यूज, पक्का इसने पहले भी डिटेक्ट यूज किया होगा, पर चलो कोई भी वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कौन सा फाइटिंग टाइप कुछ काम करने वाला था इस पे। चलो काम खत्म इसका, तो बढ़िया। पता नहीं कहाँ से लिया है इसको, पर कहीं से तो लिया है, मेरे को पक्का पता है। बढ़िया एनकोर सीख रहा है भाई, रहने दे यार, तू क्या करेगा सीख के। कीप ओल्ड मूव्स, ये अंकल भी खुश हो गए। ये और कुछ है यहाँ पर? ये बंदा बैटल नहीं कर रहा शायद से। यू विल फाइंड ब्रूकलेट हिल एट द एंड ऑफ रूट 5, दैट्स वे कैप्टन लाना डज हर ट्रायल। ओके, मुझे लगा था रूट 5 पीछे जाना पड़ेगा, पर नहीं, हमको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ये अंकल यहाँ पे खड़े हुए हैं। आई एम वन ऑफ द ट्रायल गाइड्स दैट आर हियर टू हेल्प द ट्रायल गोस। ठीक है, फील लाइक लर्निंग अ मिस्टीरियस मूव मे बी। ठीक है, तो हमको जाना कहाँ ये होता। लेट्स सी इफ यू कैन बीट ऑल द ट्रेनर्स ऑन रूट 5 फॉर स्टार्टर्स। ठीक है, वो तो ठीक है, पर पहले मैं एक बार ये चेक कर लूँ कि यहाँ पर जो ये लोग खड़े हुए हैं वो हमको जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं। दिस वुड हैव सीम्ड काइंड ऑफ डाउन एवर सिंस लाना बीट देम, बट दे आर ब्लॉकिंग द पाथ एंड नाउ नो वन कैन गो थ्रू। सीम्स लाइक दे आर सो पेट्रीफाइड ऑफ लाना नाउ दैट दे डोंट इवन वॉन्ट टू सी अनदर वॉटर ड्रीम्स ही आफ्टर शी स्मैक्ड। ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं उसको अभी हरा दूंगा तो सूडो वूडो थोड़े खुश हो जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं एक बार देख लूँगा यार रिकॉर्डिंग कितनी देर की होगी, मैं क्या बनाता जाऊँ। चलो कोई अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये ट्विंस हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़े ज़्यादा हिडन आइटम हो सकते हैं, तो मैं साउटेंट को निकाल के रखता हूँ, सही रहेगा। मजाक नहीं करूँगा, थोड़ा मुश्किल तो है यार, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है साउटेंट से ढूंढना। ठीक है, ओके, मिल गया आइटम, बढ़िया, स्टार पीस। ओके, वहाँ पे एक टीएम रखा हुआ है पीछे, अगर तुम देख सकते हो तो। ओके, यहाँ पर कुछ है, वो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये काला, अरे ये तो वेला वॉल्केनो लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है वेला वॉल्केनो ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, टीएम तो मिल गया। टॉर्मेंट, जिसको मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं, अभी भी निकल लूँगा। नहीं, यहाँ से तो नहीं जाना, इस लड़की से बैटल कर लूँगा कभी ना। अरे टीम क्या कर क्या रहे हो, ऐसे पोज में मत बैठा करो, सही में मुझे कुछ अलग ही लगता है। चलो लड़की ने आखिरकार देख लिया हम लोग को, उसकी साइट में आएंगे तो ऐसे ही होगा। ये पोकेमॉन ब्रीडर दो दो पोकेमॉन लेके घूम रही है। यहाँ पर सारे लोग ये वाली पोकेबॉल क्यों लेके घूम रहे हैं, सफारी बॉल थी शायद, सफारी बॉल क्यों लेके घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों लेके घूम रहे हैं भाई, कुछ होगा रीज़न, क्या पता यार हमें क्या। वैसे मुझे इस पर ये यूज़ करना नहीं चाहिए था, मुझे इस पर इस्तेमाल करना चाहिए था एरियल एज, जो कि ज़्यादा इफेक्ट करेगा, पर क्योंकि मैं हूँ बेवकूफ़ तो मैं सबसे पहले गलती करूँगा। तुम सब जानते हो यार, तुम सब कितनी देर तक रह चुके हो चैनल पर। लेडी बा आजा तू आजा, आज पार्टी करते हैं। पूछो एक बार में चली जाएगी क्या, वेट लगाओ, चली गई, देखा हार गए तुम सब, हार तुम, मेरे को पता था तुम हारोगे यार, तुमको क्या यार, हारते ही हो तुम लोग हर बार। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लो यार, कई लोग सीरियसली लेते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे मजाक होते हैं यार। 1+1=2। अच्छा, नहीं, मुझे लगा 1+1=10 होता है, इसलिए मैंने कन्फर्म कर लिया। ईसा है नीको, नाम अच्छा है, पर एक नाम लड़की का नहीं लग रहा है। पीका अपन यूज करेगा एरियल एस, और बाकी हम यूज करेगा अपना पिकाचू मेल है ना, हाँ चलो ठीक है, चाम यूज करेगा कॉटनी पर, जिससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर चलो फिर भी हम करेगा क्योंकि हम है बदतमीज। पूछ कॉटनी के डिफेंस कम हो, अटैक कम हो जाएंगे, सॉरी। अरे मेगा ड्रेन कुछ नहीं है, मेगा ड्रेन करेगा यूज है, कुछ नहीं होगा उससे। चलो कुछ है नहीं करने को, थंडर वेव यूज कर लेता हूँ, स्टन स्पोर, अरे हट, चल हट, गया तू तो काम से, चल चलो बैटल खत्म, पैसा हजम, देखते हैं अब आगे बढ़ते हैं। उस बंदे ने हमको चैलेंज किया, उसने हमको चैलेंज किया कि देखते हैं कि तुम निकल सक पाते हो क्या सारे ट्रेन को हरा के। चैलेंज मेरे को कभी मत करना। अबे अरे हाँ मैन आई लॉस्ट अगेन, ग्लैडियन को मैंने पहली बार देखा इस गेम में, हाँ द
तभी उसका नाम भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है। आर यू इवन टॉकिंग दिस सीरियसली, आर यू इवन टेकिंग दिस, टेकिंग लिखा हुआ, टॉकिंग लिखा हुआ, आई एम सो सीरियसली आई एम वेरी सीरियसली एंजॉइंग इट। हाँ ठीक है, एंजॉइंग इट। यू कैन एंजॉय पोकन बैटलिंग व्हेन यू पुट एवरीथिंग यू हैव गॉट इनटू इट, व्हिच क्लियरली यू हैवंट। यार हाउ, सही बताऊँ तो हाँ यार, मतलब इस बात पर मैं मानता हूँ यार, तू मतलब कर सकता है, तू मुझे पता है मुझे हरा सकता है तू, पर तू हरा नहीं पाता है क्योंकि तू सही से बैटल नहीं करता है। दिस गाय इज प्लेनिंग स्केर। हाँ मतलब इसका थोड़ा वैसा वाला स्टाइल है, इसका टीम स्कल टाइप का ही स्टाइल मान लो इसका। यो ऋषभ, हाँ या दैट्स मी, नो नॉट मी, एक ट्राई करूँ ये, नॉट मी, नो नॉट मी, ये ट्राई करता हूँ। सो यू हैव इनफ सेंस टू बी वेरी नॉट बैड, आई एम ग्लैड यू ऑन, मी एंड माई पार्टनर टाइप नल और ट्रेनिंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। यार इतना बुरा नाम क्यों रखा है यार, इतना बुरा नाम क्यों रखा है यार, अभी तक मैं जानना चाहता हूँ यार, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ इतना बुरा नाम क्यों रखा है इस पोकेमॉन का, इतना तगड़ा पोकेमॉन है, इसका नाम तुम ये रख सकते थे कि मतलब क्यूटी पाई, क्यूटी पाई कितना तगड़ा नाम है, ये नहीं रख सकते थे तुम? किसके दिमाग में ख्याल आया, अरे क्या बोलता है टाइप नल रखें इसका नाम, हाँ हाँ कितना अच्छा नाम है, क्या क्या ख्याल आया था भाई इन लोगों के दिमाग में, क्या 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 किया था उन्होंने रात को ऐसा कि उन्होंने दिन में ऐसा नाम लिख दिया उसका, पता नहीं। वी हैव टू गेट स्ट्रॉन्गर दो मोस्ट ऑफ अ टाइम दीज डेज गोज टू वर्किंग फॉर टीम टीम्स कल एज देम एस, हाँ बैटल मी इट वॉन्ट टेक नो नो फॉर एन आंसर, ठीक है, मतलब ये भी टीम स्कल से नफरत करता है, चलो ये अच्छी। क्या क्या नहीं बे, चलो हट, ये क्या बकवास है यार, नहीं यार मैं बता रहा हूँ ये नहीं होता है एनिमे में, अरे ये तो उल्टी चीज़ हो गई, टीम स्कल ग्लैडियन। अच्छा तो मतलब ये बोल रहा था कि टीम स्कल के लिए काम करता है, पर ये तो अलग सी बात हो गई यार, ऐसे तो नहीं होता था यार एनिमे में, और तूने ऐसे क्यों कर रखा है, ऐसे तेरी हड्डियाँ जकड़ जाएंगी, पागल मत कर, ऐसे दिमाग खराब हो गया तेरा, अरे अरे कंट्रोल कर, कहीं और से प्रेशर निकल जाएगा तेरा, अरे भाई मैं नहीं देख सकता इसकी ऐसी हालत, भाई मैं तो जल्दी हरा रहा हूँ इसको, ये कुछ हो जाएगा इसके साथ, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ यार, तो इतना भाई यार आराम से भाई, ऐसे मत कर, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि कहीं गंदी ना हो जाए यार ज़मीन। ये क्या था, ओ जोर हुआ था, अरे यार जोर हुआ इसका, पागल सा जोर हुआ इसका, हट पागल, गेंगार नहीं, गेंगार को थोड़ा निकालूंगा, पागल हूँ क्या मैं, अब वो निकालेगा टोरा कैट को, इसका जोर हुआ कि आउटलाइंस बड़े अजीब से लग रहे हैं वैसे। हाँ वैसे आउटलाइंस की, आउटलाइन से मुझे याद आया, काफ़ी लोग बोलते हैं यार आउटलाइन कैसे सही करूँ यार, तेरे गेम में आउटलाइन बड़ी स्मूथ आ रही है। देखो एमुलेशन में जाओ, कॉन्फिगर में जाओ, उसके बाद तुम्हें एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्राफिक्स, उसमें जाओ, ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या दिखाई देगा, हाँ वहाँ पर रेजोल्यूशन लिखा होगा, उसको तुम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे ना आउटलाइन इतनी ज़्यादा स्मूथ होती जाएंगी। जूबैट, अब असली में जूबैट आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, जूबैट आ रहा है कोई बात नहीं, चलो हम फिर भी फायर फैंग यूज़ करेंगे, पुचूक ये बात, अरे यार एक एचपी बच गया उसका, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम यूज़ करेंगे स्क्रैच, बढ़िया, मुझे लगा था वो फुजी शोर यूज़ कर लेगा पर उसने यूज़ किया नहीं, चलो अच्छी बात है। टाइप नल, अरे हाँ अब देखते हैं जरा टाइप नल किस टाइप का पोकेमॉन है। ओके देखो यार सिल्वेली, पता है जापानीज में इसका नाम फिर भी अच्छा है, सिल्वेली बुलाते हैं इसको, और इसमें कितना गंदा नाम है इसका, मतलब ठीक है मैं समझता हूँ शायद इसका टाइप नल इसका मतलब होगा ये होगा कि मतलब ये कोई सीडी वीडी देता है ना इनको जिससे इसका टाइप बदल सकता है, तो शायद वो होगा, फेरी टाइप बना सकता है, कभी कुछ बना सकता है, तो शायद उसके हिसाब से होता होगा इसका नाम, पर वैसे तो ज़्यादा समझ में नहीं आया इसका कॉन्सेप्ट मुझे, सही में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पर चलो फायर फैंग यूज़ करते हैं, इसको हराने की कोशिश करते हैं, तगड़ा तो है पोकेमॉन जो भी बोलो, पर अरे टोरा कैट मर ना जाए, चलो डबल किक यूज़ करके देखें, ये बैम, ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ, इतना तो उससे ही हो गया था, टैकल यूज़ कर, टैकल से ज़्यादा डैमेज तो अरे नहीं हो रहा, पर फिर भी बहुत डैमेज हो रहा है, शायद से मैं इसको हरा पाऊँ, इसलिए बस इसलिए मैं फाइटिंग टाइप जी मूव यूज़ कर रहा हूँ, ये हार जाएगा, दो एच पी बचा है पर कोई बात नहीं, रिस्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हार जाएगा इससे ही। ऑल आउट प्यूमलिंग, इसका नाम मैं आज तक सही नहीं ले पाया, प्यूमेलिंग प्यूमेलिंग लिंग लिंग ईम्रीम, पता नहीं क्या नाम है अजीब सा इसका, बोला था ना हील करने की ज़रूरत नहीं थी। यार अभी पोकन बेकर यूज़ नहीं कर रहा, अरे
इतना ज्यादा प्रेशर मत लगा, इतना ज्यादा जुगर मत लगा मेरे लाल। हार गया ग्लेडियन। ग्लेडियन मुझे बहुत अच्छा लगता था यार एनिमे में, पता नहीं इन्होंने क्या बना दिया यार, गेम में पूरा ही अलग कर दिया यार, सही में गेम पूरा अलग कर दिया। इट्स नॉट लाइक मी टू स्लिप आउट स्लिप अप लाइक दैट, आई हैव गॉट टू कीप फाइटिंग स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स, लुक लाइक आई एम नॉट स्टिल रेडी स्ट्रॉन्ग, मतलब किस चीज़ के लिए रेडी। दैट किड देयर हिज पोकेमॉन एबिलिटी वीक, ऐसे कुछ बोला कि तूने, पता नहीं मैं देखा नहीं। एंड श्योर इट्स फाइन टू एंजॉय ऑफ एंजॉइंग बैटल, ऐसे कुछ बोला होगा, पता नहीं मैं क्यों पढ़ता नहीं हूँ यार, ये पढ़ना चाहिए मुझे, मुझे आराम से, मैं आराम से पढ़ूंगा इसको। बट दिस ब्रैट ही इज जस्ट यूजिंग दैट दैट इज एन एक्सक्यूज नॉट टू ट्राई हार्ड बिकॉज ही कैंट बीट द कहूना। अच्छा ये हाउ की बात कर रहा है, बिकॉज ही कैंट बीट हाला वेन ही सीरियस। अरे तू पागल हंस क्यों रहा है तू, वो सीरियस है वो, मैं भी मानता हूँ उसकी बात, भले वो टीम स्कल से हो। यू नो माई ग्राम्स वेट, सो यू थिंक आई एम स्ट्रांग, हाँ लुक एट यू ग्लेडियन, यू अर्नड यू जस्ट अ रियल कूल किड, रियल कूल गाय एक्चुअली। हे 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 टीम स्कल आ गई, इनका ये पोज मुझे बहुत बेकार लगता है यार। ग्लेडियन तो फिर भी ठीक है, वो अपना जोर लगाता है, पर ये तो सबसे बेकार है। आई गेस इट्स नो सरप्राइज अ होमलेस किड वुड टर्न आउट फाइन। ए चुप बैठ बे होमलेस किड, चल बे तू होगा बे होमलेस, को ऐसे ही घूमते रहते हो तुम लोग, तुम लोग होमलेस हो बे, नो वरीज वी हैव गॉट इनफ बैकबोन टू कवर यू फॉर यू। ठीक और बैटल, जस्ट गिव इट अप ऑलरेडी, हाँ यू नो यू कैंट बीट मी, यू विल जस्ट गेट योर पोकन हर्ट फॉर नो रीजन। ठीक है दे आर गुड पोकेमॉन, वी केम ऑल दिस वे। अरे टोटम स्टिकर टूदा नहीं क्यों, देखो टोटम स्टिकर यहाँ पे, देखो दिखा तुम लोग को टोटम स्टिकर यहाँ पे। वी केम ऑल दिस वे एंड फॉर वॉट, फॉर अ बिग फैट वेस्ट ऑफ टाइम, थैंक्स टू यू। If you haven't gotten in our way, we could have stolen the totem Pokemon from Brooklyn Hill. क्यों totem stick totem Pokemon है वहाँ पर, look the Mugro are crying क्यों, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, and it's time we should be flying। अच्छा तुकबंदी बनाई थी इसने, मैं सही से पढ़ नहीं पाया था, मैं उसकी तुकबंदी की पूरी ऐसी तैसी कर दी, sorry माफ़ कर देना। Listen up Gladion, the boss does like you, that's true, but you are some hired help which keep around for when we need you। हाँ अच्छा 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 ठीक है मुझे समझ में आ गया मुझे कि किस टाइप के लिए रखा है इसको। ऑफिशियली ये नहीं है पार्ट टीम स्कल का, यू एंड पार्ट ऑफ टीम स्कल ही बोल भी रहा है, नॉट रियली एंड यू विल नेवर बी, गॉट इट, यू बेटर गेट इट। ठीक है पर तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर है सही बताऊँ तो, क्योंकि इसका टाइप नल है, और टाइप नल क्या हम लोग भी पकड़ सकते हैं क्या इसको, इसको मिला कहाँ से टाइप नल यार। थैंक्स रेशभ एंड हलूचा टू, यू बोथ वर अमेजिंग। ठीक है अब तू बकवास करना बंद कर दे, तीन रिवाइज मेरे को एक बात बता, तू इनको यूज़ करता है कि मेरे को ही देता रहता है पूरे टाइम, बस तू यही काम करता रहे, ये किसी काम का नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। ठीक अरे यहीं से तो मैं आया ही था, चलो ठीक है यहाँ पर कुछ है, ये रोटम क्या बोल रहा है, पहली बात तो ये देख लेते हैं। दैट ग्लेडियन ही इज काइंड ऑफ स्कैरी यार, तुझे ऐसा लगता है? हाँ मतलब मुझे तो नहीं, स्केरी तो नहीं है पर क्योंकि मुझे पता है ना स्केरी मेरे लिए इसलिए नहीं है। अरे टोटम स्टिकर, पर मैं ले नहीं सकता उसको, स्केरी यार मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ, अरे यार ये बंदा यार, ये बंदे के बंदे भरे पड़े हैं यार, क्योंकि मैं जानता हूँ यार कि वो बुरा नहीं है, बाद में सही हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो इस गेम में मतलब सही हो जाना चाहिए उसको, क्योंकि वो इतना बुरा नहीं है यार, एनी इतना बुरा नहीं है ना, इसलिए मैं ऐसे सोच रहा हूँ। खैर इस बंदे को हराते हैं, एरियल इसे हार जाएगा एक बार में, ये पचा बस काम खत्म। और वहाँ पे बेरीज पड़ी हैं, क्या पता हम लोगों को क्रॉप रोलर मिल जाए वहाँ से, स्पिनर रैक, चलो कोई बात नहीं स्पिनर रैक को भी आने दो, स्पिनर रैक ऐसी कुछ करता था ये। मुझे एक एपिसोड याद है स्पिनर रैक और आरियडोस का, बहुत अच्छा एपिसोड था, उसमें मतलब कुछ चोरी वोरी होने वाली थी म्यूजियम में, और उस वाले सीजन में जो डिटेक्टिव्स होते थे, जो कि ऑफिसर्स होते थे ना, वो सारे या तो स्पिनर रैक यूज़ करते थे शायद, स्पेसिफिकली उस टाउन में ऐसा होता था, पता नहीं कौन सा एपिसोड था, अगर तुमको सही से याद है तो बताओ मुझे। वैसे यहाँ पे पोकेमॉन है क्रॉपलोर, इसको पकड़ लेते हैं हम, मैंने पकड़ा हुआ है क्या इसको, एक को शायद नहीं पकड़ा हुआ, चलो इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैं हर बार मार देता हूँ इन लोगों को, पर चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, टैकल यूज़ करता हूँ, मैंने एरियलेस पहले यूज़ कर लिया था इसलिए मर गया था यार पहले। अच्छा ठीक है तो टैकल एक और बार यूज़ करूँगा तो गया मैं। अच्छा चलो ये अच्छी बात है कि क्रॉप रोलर ने अपनी हेल्प बुला ली है, ये अच्छी बात हुई, चलो कोई बात नहीं,
अब हम लोग आराम से टैकल यूज कर सकते हैं इस बंदे पर, क्योंकि ये मरेगा नहीं और हम लोग इसको मार सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा हुआ, अच्छा हुआ तूने अपनी हेल्प ही बुला ली भाई, अच्छा हुआ। ओके नाउ लेट्स गेट रिड ऑफ दिस गाय, क्योंकि इसका हम लोग को ज़रूरत नहीं है। मेन वाला बंदा मर गया ना, अब और हेल्प नहीं बुला सकता वो, ऐसे ही काम करता है ना ये। यार मुझे सही से नहीं बताया, मैंने ज़्यादा कुछ खेला नहीं ऐसे गेम्स, मैंने ऐसे गेम्स नहीं खेले जो जिनमें हेल्प बुला लेते हैं पोकेमॉन, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है यार। अब पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मतलब इतनी कम तो मैं नहीं कर सकता कि ये ना मरे, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसी पकड़ में आ जाइए। पोकेबॉल से तो शायद ही पकड़ में आए यार, पर फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। ये यो ई यप, पकड़ में आ गया। ट्रबलर अपने जाएगा सीधे पीसी के अंदर, और बाद में मैं देखूंगा यार क्या करना है उसका, मतलब दे आऊँगा उस लड़की को, पर पता नहीं अपन को क्या मिलेगा, वर्थ इट होगा क्या यार, या फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगा यार क्रॉबलर को। इससे अच्छा था सही में यार, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं इसको यूज़ कर लूँ, ऐसे ही मेरे पास कोई वाटर टाइप पोकेमॉन है नहीं, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इसको मैं यूज़ कर ही लूँ। पर पहले ये एग में से क्या निकलेगा ये भी देखना पड़ेगा। अरे एड टू पार्टी कर सकते थे, कूल यार, एड टू पार्टी कर सकते थे हम लोग। अरे यार ये सही फीचर है भाई, यार मुझे एड टू पार्टी कर लेना चाहिए था। रोटोम कुछ बोलना चाहता है, अरे रोटोम रोटो लोटो कुछ होगा यहाँ पे, देखना अभी रोटो लोटो टाइम। ये पूछो क्या आया इस बार, अमेजिंग पावर रोटो एनकाउंटर्स। ओके इससे क्या होगा, रोटो एनकाउंटर्स ए पावर दैट हेल्प्स यू रन इनटू हाई लेवल वाइल्ड पोकेमॉन। अरे वाह यार सही चीज़ है यार, नहीं मतलब एक्चुअली सही चीज़ है यार। ये तो कुछ हिल है शायद से मेरे ख्याल से। ठीक है पहले मैं पोकेमॉन सेंटर के अंदर चला जाता हूँ, मैं यहीं पर एपिसोड एंड करने वाला हूँ। अरे फिशिंग रॉड देंगे अंकल, पहले फिशिंग रॉड ले लूँ, शायद से दें फिशिंग रॉड, मैं वह देख लेता हूँ। और किसको अंदर डालूँ मैं, मतलब क्रॉबलॉरर को यूज़ कर सकता हूँ तो किसको अंदर डालूँ फिर मैं, देखेंगे देखेंगे बाद में देखेंगे, पर पहले इनसे बात कर लेते हैं। सुपर पोशन दिया उन्होंने अपन को, फिशिंग रॉड देते तो थोड़ा अच्छा होता यार, पर चलो कोई बात नहीं यार। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अच्छा ये हमको और आइटम्स दिखाई देंगे पोकेमॉन सेंटर में, चलो कोई बात नहीं। ओके अभी के लिए इतना ही यार, आई होप यू गाइस एंजॉय द एपिसोड, पसंद आए तो लाइक मारो यार। आज हम लोग ने बहुत कुछ अचीवमेंट्स पाई हैं, देखो एक तो हमें स्ट्राउटलैंड मिल गया और ग्लैडियन से भी हम लोग मिल गए, ग्लैडियन को हमने हरा भी दिया और काफ़ी टाइबनल की बुराई भी कर दी है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लाइक मारो, एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए गाइस, 1200 लाइक्स, कम ऑन दिखा दो कि असली पोकेमॉन फैन हो और तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। खैर अभी तक के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट, बाय बाय। और कुछ बोलना था, नहीं नहीं, बाय बाय बाय।